पहले तो हमारा बहुत सारा लोग लालच दिया है, आइए बैठ के बात करते हैं कैसे मैनेज करें, क्या देना होगा आज के बाद। अगर टोनी बोलमी तो मोबाइल हमारे बगल में हो, हम अगर मोबाइल नंबर नाम नहीं बताओगे कि टोनी कहीं जाके मैच खेलने के लिए, अगर मोबाइल नंबर भी बताए देव अगर बात से पता चल गया कंपनी के मालिक लगे वो हमारे हटे कहा कि आपका 10 को लड़का आया था, हमको केस हो गया है, हमें तकने के लिए आप रुक जाइए, मेरा बात सुनिए, हम इतने कहे आपको मालूम है आप किससे बात कर रहे हैं, आप उस जयराम महतो से बात कर रहे हैं जिसके कौम का संसद सुनील महतो 12 गोली खाए, अपनी भाषण हमारे सामने मत निकालिए। मतलब प्लास्टिक की बोले मालूम हो कि देख लेंगे, हमारा बोले कि देख लेंगे कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो आज तमाम मीडिया के माध्यम से हम लोग बोल देना चाहेंगे तमाम कंपनी और फैक्ट्री के दलालों से कि हम चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो नियम कानून से बात करेंगे, मीडिया हमसे सवाल पूछेगी, अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे ना तो रोडों में पटक पटक के मार देंगे। और ऐसे आज हमारा धमकी दरी पार करा लिया। अच्छा अभी दादा बतेलो कि यहाँ आज थोड़ा बंद हो, सुनो यहाँ फैक्ट्री में बड़ी धुआं उड़ा रहा है, आज धुआं बंद हो, यानी हमारे यहाँ आवेग से धुआं अगर बंद हो गया है तो जन विधायक आएंगे वैसे तो की बंद कर दो। हम सिर्फ आयो से धुआं बंद भाई गए, हम भाषण दिया आयो मीटिंग कर आयो से धुआं बंद भाई गलो, तो सोच ले अगर हम विधायक बन के आई गलो तो की बंद करे भाई। आज मतलब उनका मन कितना बढ़ा सोचिए, आज एक तो जमीन हमारा प्रदूषण से बीमार होने वाले हम, उस बीमारी से कैंसर होकर मरने वाले हम, और आज फिर हमको धमकी दे रहा है, हमको डरा रहा कि कार्यक्रम में मत जाइए, उसका इतना हिम्मत कहाँ है वो मालूम है। आज कंपनी फैक्ट्री का मालिक दलाल लोगों का हिम्मत कहाँ है वो मालूम है, तो हम झारखंड के लोग चुपचाप अब तमाशा देखने लगे। आज हम लोग डर जाते हैं कि केस होगा, मुकदमा होगा, जेल जाएंगे, यदि हम लोग काउंटर करते ना, काउंटर का मतलब समझते हैं 1977 में जब शक्तिनाथ महतो को मारा गया, 1987 में जब निर्मल महतो को मारा गया, और 2007 में जब एमपी सुनील महतो को मारा गया ना, तो मेरा मानना है उनकी चिता उनकी अर्थी नदी में बाद में जलाना चाहिए था, ऐसा फैक्ट्री और ऐसा मालिक और ऐसा दलाल का घोसला को पहले जलाना चाहिए था। नहीं लोग पेट और फरेगा भाई, चाहे रामगढ़ स्पंच रहे, बिहार फाउंडरी रहे, आलोका एसटी लिमिटेड रहे, सीसीएल रहे, चाहे एनटीपीसी रहे, चाहे आनंदिता रहे, इन लोग का पेट और फरेगा भाई, मेरा इतना बड़ा बड़ा गांव इतने ले ले रहे, इतना बड़ा बड़ा खेत ले ले रहे, फिर भी यदि आज हमने अपना अधिकार नहीं समझा, यदि आज हमने निडर है कि लड़ाई नहीं लड़ा, तो आज फैक्ट्री के धुआं 500 मीटर दूर हो, कल फैक्ट्री तो गांव में बैठ सकते हवा तो चलिए। इसलिए आज नहीं वाला है टोनी के स्पष्ट कह जाओ कि हमने केवल विधायक सांसद बने ना लियो, आज हमने झारखंड के जनमानस के जो तकलीफ और अन्याय है ओकर समाधान कर आइए, चाहे सामने वाला कितना बड़ा अरबपति कहने रहे। भाई उसका इतना हिम्मत कि हमको फोन करता है डराता है, कार्यक्रम में मत जाइए, चुनाव कैसे लड़ेंगे देख लेंगे, तो हम भी आपको आश्वस्त करेंगे, आप अरबपति हैं चाहे खरबपति हैं, आपकी सुरक्षा में डीसी रहे चाहे एसपी रहे, आपको फैमिली का सुरक्षा में कोई नहीं रहता है, आप हम इजराइल की तरह इजराइल में मोसाद नाम का एक संगठन है, उसका एक ही कंडीशन है कि यदि आप इजराइल के किसी नागरिक को मारिएगा हम बदला लेंगे,
और बदले में 100 साल का बूढ़ा से बदला ले या 10 साल का छोड़ा से बदला ले, हम पटक के मार के बदला ले। ये मोसाफ का स्टेटमेंट है। मारिएगा किसी आम नागरिक को, मारिएगा हम बदला लेंगे, और आप जहां छुप के बैठेगा वहां घुस के बदला लेंगे। ये जो लोग डराता है हमको कि कार्यक्रम में मत जाइए, इनको एसपी का सुरक्षा मिलता है, इनको डीसी का सुरक्षा मिलता है, लेकिन अमृत पी के नहीं आया है। हम भी बदला लेंगे। यदि आप एक तो बेईमानी काम आप करेंगे, फैक्ट्री से धुआं आपका निकलेगा, कैंसर से हम मरेंगे, पर डराएंगे भी हमको। मैंने आपको खून पीना बहुत पसंद है। ये लोग खून पिया सत्यनारायण महतो का, ये लोग खून पिया निर्मल महतो का, अब इन लोग को स्वाद और राजाराम महतो का खून चाहिए। आज इन लोग को मेरा खून पीना है। नहीं लोग भी देखा है, वो जवान लड़का है, इसके खून पीने में टेस्ट लेगा, तो इनको मालूम नहीं है किस बार आपके काउंटर का इतना बड़ा इनकाउंटर होगा ना कि आपके आने वाले पूछते हैं झारखंड में बसने से इनकार कर देंगे। कार्यक्रम में मत जाइए। साला मेरा बाप का जमीन, मेरा दादा परदादा का खेत, अरे कहां का आदमी फैक्ट्री या खोला है और हमको डराए। यार इसका इतना हिम्मत है कि हमको डराएगा फोन करके कि कार्यक्रम में नहीं जाना है। साला उसका बाप का जमीन है, मैं जो भी अच्छी फैक्ट्री है जिसका भी नाम लिए, उसका बाप का जमीन है क्या? तोहनी को पग जमीन लगाए, मैं तोहनी को पग लगाओ, तोहनी सोसर लगाओ कि ना। आज इन लोग डरता है, मैंने इन लोग आदत हो गया खून पी पी के। इन लोग समय समय में खून पिया है, आप नहीं जानते हैं। इन लोग कितना कंपनी का दलाल है, जितना कंपनी का मालिक है, इन लोग समय समय में हम लोग का खून पिया है। कहां खून पिया है? कभी कोयला के खदान में, कभी फैक्ट्री में, कभी कंपनी में। ये लोग समझ समझ हम लोग का खून पिया है। तो आज सुन लीजिए, ये जो डराने वाला भाषा निकालते हैं, अरे भाई क्यों हम आपके खिलाफ जाएंगे? हम ना कंपनी के खिलाफ है ना फैक्ट्री के खिलाफ है। आप जमीन जिनसे लिए हैं उनको नौकरी दीजिए। आज इनको इसी बात की तकलीफ है, हमको भी अगर मैनेज हो जाइए, बोलिए ना क्या व्यवस्था करें। हमको बड़ा आश्चर्य लगा, भाई की व्यवस्था करेगा? इसलिए आप स्पष्ट कहेंगे, आज जो आपकी समस्या है दादागर दादा लोग दीदी लोग, आज जो आपकी समस्या है, ये समस्या केवल आपकी नहीं है, ये समस्या चिरगुंडा से लेके भुरगुंडा तक है। ये समस्या विस्थापन की है, ये समस्या पलायन की है, ये समस्या हमारी जमीन में खड़ी कंपनियों के अन्याय की है। ये समस्या केवल रामगढ़ में नहीं है, ये समस्या केवल मांडू में नहीं है, ये समस्या केवल चुंबा में नहीं है, ये समस्या चिरकुंडा से भुरकुंडा तक है, चिरकुंडा धनबाद भुरकुंडा रामगढ़ तक। ये समस्या केवल आपकी नहीं है, ये समस्या गोड्डा जिला के लालमटिया के ईसीएल से लेकर देवघर जिला के चित्रा के ईसीएल से लेकर धनबाद जिला के बागमारा झरिया का त्रास होते हुए बोकारो जिला के सीसीएल चंद्रपुरा दुर्दा बेरमो से होते हुए रामगढ़ जिला के सीसीएल मांडू होते हुए बड़कागा होते हुए आम्रपाली मगध डीपीसी तक ये समस्या है। आज हमें तकलीफ होता है, हमें दुख होता है कि जमीन भी इन्होंने हमारा लिया, जान भी हमारा लिया, और आज हम रोजगार के लिए तरसते हैं। आज हमें दुख होता है, तो आज हम पूरे होश हवास में कहेंगे, यदि आपको लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान से होगा, तब थाली लेकर आइए, हम अपना गर्दन काट और आपकी थाली में रख देंगे। यदि आपकी समस्या का समाधान हमारी गर्दन से होगा ना, तो आप थाली लेकर आइए, हम हाथ से अपना गर्दन काट के रख देंगे। लेकिन आप बताइए, क्या मेरे एक गर्दन के कट जाने से आपकी समस्या का समाधान होगा? आप बताइए, बिल्कुल आप आइए थाली लेके। अगर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, हम अपना गर्दन काट के आपकी थाली में रख देंगे। लेकिन आप बताइए, क्या मेरे एक गर्दन के कटने से
इसलिए गोड्डा के ललमटिया से लेके चतरा के पिपरवार का, धनबाद के झरिया से लेके बोकारो के चंद्रपुरा का, रामगढ़ के मांडू कुचू मोर पाता, हर एक गांव मांगता है कि जय राम। देंगे आप? देंगे आप? हर एक गांव चिरकुंडा से फुलकुंडा का के जय राम मांगता है, तभी समस्या का समाधान होगा। पर नहीं आपको लगता है कि अगर एक जय राम मांगो तो समस्या का समाधान है? हम हर से अपना गर्दन आपकी थाली में परोस देंगे। बहुत तकलीफ होता है कि आज हमने क्या नहीं खोया इस राज्य में, आज क्या नहीं हुआ हमारे साथ। समय समय पे हम लोग के लोगों को मारा गया, झारखंड राज बनाने में मारा गया। इन्हीं जयवीर महतो की प्रतिमा बगल में है, माला चढ़ा के आए, ऐसा ऐसा हजार आदमी के मारल गए, काटल गए, रेतल गए। आज भी हमने वह दशा, बताओ आप की मिलना इस राज्य में हमने की अपना खून खराब है। आज यहाँ मांडू में जितना धान माए मौसी काकी जेठी भैसा था तोहनी ना सही, लेकिन तोहनी के आजा, तोहनी के पर आजा, चाहे तोहनी के बाप ससुर काका जेठा कोई ना कोई जरूर टिकलाल बाबू के समय, विनोद बाबू के समय, गुरु जी के समय जरूर आप लाठी कैले है, जेल गेल है, गेल हो गए बताओ, कोई ना कोई आपके सुनो में जरूर गेल, भले तोर अपन घर के ना गेल लेकिन मौसवा जरूर गेल। अगर मौसवा ना गेल तो फुफा जरूर गेल, अगर फुफो ना गेल तो ससुर चाहे ससुर जरूर जेल गेल, तो पुलिस के लाठी खा लेत तब जाके झारखंड बन। तो ककर खातिर झारखंड बताओ तो कहनी, ये कंपनियन खातिर, अरबपतियन खातिर? आज भी अपनी अरबपति और आज हमें 8,000-10,000 के नौकरी मांग, 8,000-10,000 के नौकरी मांग रहा तो ककर खातिर झारखंड? तुम ये बताए दुख नहीं लागो, दर्द नहीं था है कि अपना हमार सोना रकम झारखंड? आज यह खेतवन में तुमने अभी धान रोपा, कितना मेहनत से खेती बाड़ी करा, और आज अचानक कोई कंपनी आ जाए, कंपनी की बोल है कि जमीन आपका लिया है नौकरी आपको देंगे, जमीन आपका लिया है पैसा और मुआवजा आपको देंगे, लेकिन आज की हो देख ले इस कंपनी में कई गो अधिकारी तो झारखंड के हो गए, कई गो। आज हमारा समझ में आवा है कि केवल मांडू विधानसभा में 1920 को कोयला के खदान है ना, एरिया क्या है जैसे एरिया वन एरिया टू एक एरिया में जीएम रहता है, कई गो एरिया है पूरा मांडू में, तीन गो एरिया 1920 को खदान। अच्छा कब से ही कोयला के खदान? 50 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से। अच्छा कई बार जीएम बदले ले? कम से कम 20 को जीएम, यानी एक एरिया में अगर 20 को जीएम तो तीन गो एरिया में 60 को जीएम। बताओ मांडू के कई गो लोग जीएम बन ले, कई गो लोग मांडू के जीएम बन ले? तो कौन सा राज हमारा झारखंड? हमारे बाप के गर्दन कटे ले, हमारे काका के मार के पीछे के चाम चुतवा फाड़ ले लाठी मार के पुलिस, तब झारखंड राज बने ले, और आज भी साइड को जीएम बन ले, एगो जीएम अच्छा होता ऊपर से। आज कंपनी हमारा तो अभी धक को है कि कार्यक्रम में नहीं जाना है, साला अपन बप्पा के लगे ये जमीन में झारखंड वाले बप्पा के लगे, आप तो अपनी मोचे कराई थी। हम रोडवा में जाके दारू बेचे, हम
तो सोच तो हनी घर घर के कैसे जा रहे जगह नाम सुन के लाभ नेता मंत्री के नींद नहीं लग रहा है और हमरा जा रहा है फोन के तो सोच के देख तोर घर के लोग तो कैसे जा रहे सोच के देख कितना अपनी मन बढ़ गया नहीं नहीं अपनी कितना मन बढ़ गया नहीं जे आज इन कंपनियां के मालिक लगाए जितना भी आसपास जितना कंपनी फैक्ट्री ओकर बाबा झारखंड राज्य डॉक्टर में दबा दो डॉक्टर पापा जेल गया ले पापा फैवा जेल गया ले तो साला मर के लड़ के दबा हमें झारखंड तेरा मजा तो ही मार दी गुस्सा नहीं लगो छतिया में खुनिया नहीं डॉक्टर हो डॉक्टर हो खुनिया तो जब ही खुनिया डॉक्टर हो तो मुर्गी रखना में जाके कहाँ झगड़ा कर रहे हैं जब ही खुनिया डॉक्टर हो तो ताड़ी गोदाम में झगड़ा कहाँ कर रहे हैं जब ही खुनिया डॉक्टर हो इसलिए आज कंपनियां 20 साल बाद कंपनियां के मालिक क्या रहता है रोंगटा के बेटवा रहता है 40 साल बाद कंपनियां के मालिक क्या रहता है रोंगटा के नतिया रहता है 60 साल बाद कंपनियां के मालिक क्या रहता है रोंगटा के छर नतिया रहता है तो जब तो जमीन ले तो नौकरी कहाँ गई हमें भटका दिया देले और नौकरियां कहाँ गई बप्पो नौकरी कर दो बेटो नौकरी कर दो नदियो नौकरी कर दो अच्छा नदियो नौकरी कर दो जब तक कंपनी रख दो ये गलत बोला ये दादू कहानी से पूछा हमें छोटे किधर गलत बोला ये कि साला ऊपर जमीन और पैसा लगा ला है ऊपर चार पीढ़ी भी मालिक हमारे बाप के जमीन के लाए हम एक पीढ़ी नौकरी कहा लगाए कहा लगाए अपनी नौकरी तू पैसा लगा ली तो रोटा हाली अमीर आदमी हाली तो पैसा लगा ली तो मालिक तो बप्पो मालिक तो बेटो मालिक तो नदियों मालिक तो जे भी जमीन दे तो जब तक कंपनी फैक्ट्री रहतो तब तक उस परिवार के नौकरी होना चाहे इस नियम के साथ जमीन में और हमने स्पष्ट बोला जो अगर हमारी सरकार में आवे हो अगर हमारी सरकार के संभाल लई हो तो सबसे पहला जो विवाद हो जमीन के चलते को और एकदम कोई कंपनी ऐसे हम मना ना कर झारखंड में नेशनल कंपनी आवे इंटरनेशनल कंपनी आवे रतन कंपनी आवे मिनी रतन कंपनी आवे महारतन कंपनी आवे स्वागत रहतो लेकिन शर्त रहतो यदि आप कंपनी का मालिक रहेंगे तो जमीन का मालिक जनता रहेगी पूरी तरीके से कोई जमीन खरीद नहीं किया जाएगा चाहे बीसीसीएल रहे चाहे सीसीएल आप कोयला फोड़ लिए जमीन को समतल कीजिए और जिनका अंक वापस कीजिए आज इसलिए आई कहानी से कहा आज अगर नहीं समझ ला तो देख ले आज देख ले चारों तरफ धुआं जे अच्छा जे कंपनियां के मालिक लगाए वो एक बार नहीं आ रहा है उमरदा रांची में रहा है उमरदा रांची में रहा है और धुआं क्या कहा है हमने कहा चुंबा वासी सही बात है घेचवा में सोना के चेन में लोहा परी पी रहा तोर बप्पा जमीन के टाका से और तो की तरह है कि 6000 के नौकरियां लगाए देना विधायक जी नेता जी फिर भी कर देना अब तो फिर भी नहीं झारखंड तो बाप के लगो हक से दे तो ठीक हो तो लूट के ले तो और बात पे झारखंड नियम से अगर ठीक हो तो रोड में छेक के ले ले तो और बात पे झारखंड ठीक मान मिकी हां नहीं निर्मल दा एकदम ही प्रेजी ने बोली मार रहा है निर्मल दा तो नाम सुन ले है ना झारखंड के सबसे बड़ा लीडर उस समय के एकदम कलेजवा में इस पार से उस पार गोलियां भई गए केकर खातिर एकर बेटवा खातिर खाए जाए की तोर बेटा बेटी खातिर खाए जाए बताओ तोर खातिर निर्मल बाबू कलेजवा में इस पार से उस पार गोली खाए के शहीद भई गए और आज कोई की कराए हुजूर काम तो कर दीजिए यह खातिर निर्मल महतो गोली नहीं खाए तो की बोले हुजूर काम कर दीजिए काम कर दीजिए न
नहीं तो खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ा देंगे। जय करू हमी के झारखंड राज्य है ना, और है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है ना, ना जहाँ फिल्म बना है नाचा वीडियो मोबाइल देखा उसे बंबई में आपका वहाँ है वो ऑटो ड्राइवर समझा है वो टेम्पो चलने वाला कतर से की बोलने मालूम है एसपी एसपी यानी जंगल यहाँ स्टार ने स्टार के अलावा वो सब शेर के चिन्ह है ना भगवा वाला चलवा रहा एसपी एसपी यानी वो जिला का सबसे बड़ा पुलिस जिसे दरोगा माने थाना के बड़का पुलिस जिसे वो दरोगा दादा यहाँ बैठ ले हो सब अपना नाम मजबूर है बेचारा नौकरी सरकार के दरो मजबूर है यानी दरोगा यानी एक थाना के मालिक वीडियो यानी वो ब्लॉक के मालिक मुखिया यानी वो पंचायत के तो सेम यार एसपी यानी वो जिला में पुलिस ये सबसे बड़का था और अब मामूली ऑटो ड्राइवर की बोले बंबई में मालूम हो कि एसपी साहब यदि आप महाराष्ट्र मराठी नहीं जानते हैं आपको महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या झारखंड के आदमी साहब झारखंड के दादा साहब दीदी सब इतना हिम्मत करे पारवा महाराष्ट्र में एगो मामूली टेम्पू चलने वाला टेम्पू एगो गरीब आदमी टेम्पू चलने वाला एसपी के सीधे बोल रहा है कि एसपी साहब इफ यू डोंट मराठी गो अवे फ्रॉम महाराष्ट्र निकलिए यहाँ से भागिए यहाँ से कितनी हिम्मत करे पारवा बहुत हिम्मत खतरे आए हो जीएम रहे चाहे एसडीपीओ रहे चाहे जेल है सीधे बोले कि तो जाना ही बिरसा मुंडा की अलग अलग तो जाना ही रे विनोद बाबू की हालत तो जाना ही रे झारखंड कैसे बन ले है अगर ना जाने रे मुझे रहा तो निकल ले तो पटेक के मोचर के मार बने हाँ तो हिम्मत करे हाँ तो नहीं तो की हो तो मालूम हो आज तो चला कम से कम दो चार गो खेत देखा रहा 20 साल बाद वो खेत तक नहीं पहुंचा। अच्छा खेतों को देखा रहा है लेकिन धान का देखा कोई धान बंजर हो गया वाला हो इतना इतना कंपनी इतना फैक्ट्री इतना प्रदूषण इतना कोयला कि तो धान खत्म नहीं करेगा रात यहाँ सुतलिया से करिया हो गई हो हे दादी आसमानी लोग तोरे से बोले कि गलत बोले हो कतना बताना कोई कहे को खेता रोप के लिए बताओ ए जितना चूल पागल पागल दादी है मैं बताओ तोरे कहे को खेत रोप ली मच्छर कहे को रोप ली चल ठीक है दो गो रोप ली अच्छा बताओ 20 साल पहले अब तो मान के चल तो दादी बन गए लेकिन जब कोई दादी ना बन ले 20 साल पहले जब केवल कोई शादी है कि ले ले या अपन केवल बच्चा के माय बन ले ले तब कहे को खेता रोप वाली बताओ ओकरा मुख्यमंत्री बना लिया ओकर 3 लाख महीना ओकर 3 लाख महीना ओकर भाइयो मुख्यमंत्री मंत्री मान लो 3 लाख महीना हो ओकर भौजियो विधायक हो 3 लाख महीना हो यानी एक एक जाने भौज संदेश हो आप बता ई लोग कैसे भरोसा कर गलत बोल रहे हो कि तिवारियों के झोंक भूत जाता थोड़ा सा पीछे एक के पार्टी से सब लड़ता है एक के घर वाला विधानसभा है सीधे भैया तो इसलिए अगर ये हो तो लाइन लिया लिए में कोई बुराई ना अगर वो दे हो तो लाइन लेना हो चाहे के बदले में वो पप्पा घर से ना तो वो तोरे पैसा दे रहा था दे हो तो लाइन लिया लेकिन अपने विधायक ऊपर चढ़िया जे आज हवा बंद भला अगर नियम से काम ना कर ले फैक्ट्री बंद करे पड़े दूर दूर से माँ बहन लोग आई है काकी जैसी लोग दूर दूर से बारिश में आई है हम कार्यक्रम में नहीं जाएंगे नहीं जाइएगा तो बहुत बुरा होगा ऐसे में हमको बोला गया है तो इसीलिए मांडू से जो भी विधायक बने